फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ पीरियड्स के दिनों में होने वाली गलतियों से। पीरियड के दिनों में हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए और वो कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। उनसे हमारा ना सिर्फ हेल्थ का इशू बनता है बल्कि आगे चल के मैरिड लाइफ पे भी, फर्टिलिटी को लेकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। इन गलतियों में सबसे पहली गलती होती है कि हम मेंसुरल साइकिल के दिनों में टाइट ड्रेसेस यूज करते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि टाइट ड्रेसेस उन दिनों में ना पहने, उससे ज्यादा पसीना आता है और ज्यादा पसीना कारण बनता है दुर्गंध का और कारण बनता है इन्फेक्शन का। हो सके उन दिनों में लूज ड्रेसेस ही डालें। नेक्स्ट, चेंज नैपकिन। जो आप नैपकिन चेंज करते हैं वो शुरू के दिनों में तो फिर भी आप जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो लास्ट के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे होते हैं, जिन पे कुछ लेडीज को सिर्फ स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग पूरी प्रॉपर नहीं होती, वो लेडीज यह देखकर कि नैपकिन खराब नहीं हुआ है उसी नैपकिन को सेकेंड डे भी यूज कर लेती है या काफी लंबे टाइम तक सेम नैपकिन को यूज करती है, जिससे आप यह जरूर समझ सकते हैं कि वो जो ब्लड आपके मेंसुरल साइकिल में आया है या जो ब्लड कट लगने पे आता है, फिंगर में कट लगने पे आता है, दोनों भले ही सेम हो, दोनों में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब आप उस नैपकिन को एक दिन काम में लेते हैं तो वो साथ साथ ब्लड के पसीने को भी एब्जॉर्ब करता है। वो पसीना उसी नैपकिन में रहता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, तो उससे इन्फेक्शन, यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ साथ दुर्गंध की समस्या वाले बैक्टीरिया जिनसे दुर्गंध आती है, क्योंकि हमारी बॉडी पे कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, तो उससे बैड बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और वो काफी दुर्गंध स्मेल देते हैं। साथ में कुछ गलतियां करते हैं हम खान पान को लेकर, जैसे अगर आपको दर्द हो रहा है, आपका मन नहीं कर रहा, हार्मोन लेवल हाई है, तो बहुत सारी लड़कियां खाने को स्किप कर देती है कि खाने का मन नहीं है, वो खाती ही नहीं है। यह गलती हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन दिनों में आपको ज्यादा न्यूट्रिटिव फूड की जरूरत होती है और आप बजाय खाना खाने के आप क्या करते हैं, खाना स्किप कर देते हैं, तो खाना कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। और साथ में ध्यान रहे कि आप जंक फूड कम से कम लें या हो सके तो बिल्कुल ना लें, इसकी जगह आप फ्रूट जूस इस तरह की डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल लें, क्योंकि मेंसुरल साइकिल में आपका जितना ब्लड बाहर जाता है उतने ही साथ में मिनरल्स और विटामिन्स और बहुत सारी चीजें बाहर चली जाती हैं, तो आपकी बॉडी उन दिनों डेफिशिएंट हो जाती है मिनरल्स की, और अगर आप फूड का इंटेक प्रॉपर नहीं लेंगे या जंक फूड लेंगे तो ये डेफिशिएंसी आपको नेक्स्ट मंथ और ज्यादा देखने को मिलेगी। कई बार जितने ब्लड का, मिनरल का लॉस आपका एक मंथ में हुआ है, उतना आपका नेक्स्ट 20-25 डेज में बनता नहीं है, उससे पहले ही मेंसुरल साइकिल आ जाता है, तो अगेन यू फेस द सेम लॉस ऑफ मिनरल्स, तो धीरे धीरे यह प्रॉब्लम एक्यूट रूप ले लेती है और बहुत ज्यादा दर्द और बहुत ज्यादा फ्लो होता है। कैल्शियम की कमी से कॉन्ट्रेक्शन पावर कम हो जाती है, जिससे फ्लो बढ़ता है, और बाय मिस्टेक आप क्या करते हैं, कैल्शियम की जगह आयरन की टेबलेट और ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर आप पहले ही खाना प्रॉपर खाएं, जंक फूड ना खाएं, तो आपको कमी होगी ही नहीं, और अगर आपको ज्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो भी रही है तो आपने आयरन के साथ साथ कैल्शियम का इंटेक भी, और वो भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के साथ लेना है। और ऐसा जैसे माना जाता है कि मिल्क, दूध, दही ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए, अगर आप ठीक है उनमें कुछ ऐसा एसिड होता है जो कि दर्द को हल्का सा आपको बढ़ा देता है, तो आप बाकी के 25-26 डेज दूध, दही और दूध से बनी हुई चीजों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। देखा गया है कि बहुत सारी लड़कियां डाइट कॉन्शियस होते हुए भी
दूध, पनीर और दूध से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करती हैं। तो यह आपने बहुत ध्यान से लेना है दूध। अगर आप उन दिनों नहीं भी ले रहे हैं तो नेक्स्ट 20-25 डेज आपने जरूर दूध और दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करना है। एक और बड़ी गलती जो आप सब करते हैं कि जरा सा दर्द हुआ या कहीं जाना है या कोई एग्जाम है, आप पेन किलर टैबलेट ले लेते हैं। कई बार आप अपने आप भी ले लेते हैं, कई बार आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे भी लेते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एडवाइस दूंगी कि जब तक आपसे दर्द बर्दाश्त हो रहा है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, अगर हल्का सा रेस्ट करके उस दर्द से काम चल सकता है तो अननेसेसरी ज्यादा टैबलेट खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। ये आगे चल के आपकी फर्टिलिटी को भी कंट्रोल करती है, कई बार बांझपन की शिकायत भी हो जाती है। और ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि ये तो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और आप उसको फोर्सफुली मेडिसिन लेके हार्मोन के सिक्रीशन को कम कर देते हैं, तो उससे आगे चल के माँ बनने में भी दिक्कत आती है। और साथ में कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि साइकिल इररेगुलर हो जाता है और कई बार फेस पे डिफरेंट जो कि अनवांटेड हेयर होते हैं आपके अपर लिप पे या चिन पे, वो भी ग्रो होने लग जाते हैं। तो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं दर्द को बर्दाश्त करिए। अपने आप से आप कभी भी मेडिसिन नहीं लीजिए, रेस्ट करिए, गर्म पानी की सिकाई करिए, चाय में हल्का सा नमक डाल के लीजिए, लेकिन अननेसेसरी कभी भी टैबलेट ना लें। हाँ, डॉक्टर अगर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपने डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी है। और यह भी देखा गया है कि किसी का एग्जाम है या किसी को कहीं घूमने फिरने जाना है या घर में कोई फंक्शन है, तो बहुत सारी लड़कियां मेंस्ट्रुअल साइकिल को पोस्टपोन करने वाली मेडिसिन भी ले लेती हैं किसी भी केमिस्ट से जाके। ऐसा हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वंस इन अ व्हाइल ही जब डॉक्टर आपसे आपको सलाह मिले तभी आपने पोस्टपोन करने वाली मेडिसिन लेनी है, अदरवाइज आपने इसको अवॉइड करना है। और नैपकिन में खास ध्यान दें कि ऐसा नैपकिन सेलेक्ट करें जो कि अच्छे से एब्जॉर्ब करता हो, जिसमें प्लास्टिक का यूज ना हुआ हो, और कपड़ा या तो इस्तेमाल करें ही नहीं, और अगर आप कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके, स्टरलाइज करके और डिटॉल से वॉश करके ही काम में लें, या फिर नैपकिन ही काम में लें। कुछ लड़कियों में देखा गया है कि वो उन दिनों ज्यादा पानी पीने लगती हैं, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि ज्यादा पानी पीना भी ना सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले डेज में बल्कि आगे पीछे भी इतना सही नहीं होता जितना कि वो गलत होता है। आप जितना ज्यादा वाटर इनटेक करते हो उतने ज्यादा मिनरल्स यूरिन के साथ बाहर चले जाते हैं, और हम मिनरल्स के इनटेक में अगर हमारा बैलेंस नहीं है, इनटेक और आउट अगर उसमें बैलेंस नहीं है, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे मिनरल की डेफिशिएंट होती जाती है, जिसके आपको ना सिर्फ पेन झेलना पड़ता है बल्कि और भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो पानी उतना पिए जितना कि आपको प्यास लगती है या जितना आपके लिए शरीर के लिए जरूरी है। किसी की देखा देखी या सुन के ऐसे ही अननेसेसरी ज्यादा पानी पीना भी ठीक नहीं है, और खास तौर से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में जब आपकी बॉडी में से मिनरल्स का लॉस हो रहा है और आप यूरिन के थ्रू भी बहुत ज्यादा लॉस कर रही हैं, तो इसका हेल्थ के ऊपर तो असर आना ही आना है। तो एक जो लास्ट में आपने ध्यान रखना है, अगर आप मैरिड हैं और आप रिलेशंस बनाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में और यह सोच के कि आप प्रेग्नेंट नहीं होंगी, तो यह आपकी गलती है, गलत फहमी है। कई बार रिलेशन बनाने से मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में ऐसा देखा गया है कि कभी कभी प्रेगनेंसी भी हो जाती है और आप इनसिक्योर रिलेशन बनाते हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इन्फेक्शन होने का डर तो बना ही रहता है। तो जितना हो सके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में रिलेशन ना बनाएं, रिलेशन से दूर ही रहें। रिलेशन के लिए और अगर बच्चा बनाने के लिए आपको रिलेशन करने ही हैं, तो जो प्रॉपर डेज हैं जिनका मैंने जिक्र अपने एक और वीडियो में किया है, तो आप केवल ओव्यूलेशन वाले दिनों में ही रिलेशन बनाएं। अगर आप एक्चुअली चाहते हैं
कि आप प्रेग्नेंट हो, और सिर्फ इसलिए कि हम प्रेग्नेंट ना हो और आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों में रिलेशन बना रहे हैं, तो यह गलत है। तो आप इस चीज से जितना बच सकते हैं उतना बचिए। थैंक यू।